खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंदर तिवाड़ी। पेश है आज की हेडलाइंस। बैंक से निकाली 5 लाख की रकम जूतों की खरीद के चक्कर में हुई पार। बैरोड में पताशा मार्केट के सामने हुई वारदात। सीएम भजन लाल ने कांग्रेस पर बोला हमला और कठुमर में की सभा। कहा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नारे से किया लूट और झूठ का काम। अलवर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी गतिविधियों ने पकड़ा जोर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा शुक्ला को मालाखेड़ा में करेंगे सभा। वहीं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव मुंडौर में युवा सम्मेलन में हुए शरीक। और ईद पर नमाज अता कर अमन चैन की मांगी दुआ। वहीं जिले में परंपरागत ढंग से मनी गणगौर। और अब खबरें विस्तार से। भैरोड़ के पताशा मार्केट के सामने एक बाइक की डिग्गी में रखे हुए 5 लाख रुपए सेकंडों में चोरों ने पार कर लिए। कोतवाली पुलिस के अनुसार इसे लेकर सोरवा भैरोड़ सदर निवासी सरोज यादव ने मामला दर्ज कराया है। महिला के अनुसार वह अपने पति के साथ बुधवार को SBI बैंक से 5 लाख रुपए निकलवा कर लाई थी। इसके बाद वह पताशा मार्केट के पास एक शोरूम पर जूते चप्पल देखने के लिए चली गई। महिला के पति ने बाइक को शोरूम के बाहर खड़ा कर दिया। जब दंपति शोरूम से वापस आए तो बाइक की डिग्गी टूटी हुई थी और उसमें रखे 5 लाख रुपए गायब मिले। शोरूम में लगे हुए CCTV कैमरे चेक करने पर एक चोर बाइक से रुपए चोरी करते हुए नजर आया। इसके बाद घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। बताया जाता है कि बाइक में रखे हुए 5 लाख रुपए चोर महज 4 सेकंड में ही पार कर लिए गए। घटना के CCTV फुटेज भी सामने आए हैं। इनसे पता लगता है कि चोर रुपए चोरी करने से पहले दंपति की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने अपने एक साथी को दंपति के पास दुकान में ग्राहक बनाकर भी भेज दिया था। इसी दौरान इन छात्रों ने बाइक में रखे हुए 5 लाख रुपए पार कर लिए। गौरतलब है कि भैरोड़ में बैंकों और ATM मशीन के आसपास चोर और ठग दिन भर घूमते रहते हैं। यह शातिर रकम निकलवा कर आने वाले लोगों पर नजर रखते हैं और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देते हैं। सर, हमने पैसे निकलवाए थे SBI बैंक, जो पहले भी कनेर ने, जब उसमें से हमारी मैडम का अकाउंट था, अकाउंट में से 5 लाख रुपये हमने निकलवाए। हम वहाँ से निकल के बाटा शोरूम में गए। मैडम ने बोली क्या नाम है, क्या नाम, मेरे को जूते लेने। मैं उसके वहाँ एक नीचे लड़का था, उसको ये बोला अरे क्या नाम है, मेरी बाइक का तो ध्यान रखना। मैडम ने हमारी नहीं बोला कि तू वो बैग निकाल, मैं कोई जानकार के। उसके बाद में उन्होंने वो बैग निकाल लिया, मैं बैग वहीं छोड़ दिया। उस जो लड़का नीचे खड़ा हुआ था उसको मैंने ये बताया भाई क्या नाम है, बैग मेरी बाइक का ध्यान रखना, पैसे का नहीं पता, बाइक का ध्यान रखना। हम चले गए ऊपर, इतने थोड़े टाइम के अंदर ही हम 5-7 मिनट के नीचे आए, तब हमारी डिग्गी बिल्कुल क्लीन हुई। पैसे किस लिए निकलवाए, क्या जरूर किया सर? मैंने KCC भरना था 6 लाख की, यूनियन बैंक। अच्छा, ठीक है। और फरवरी में बेटी की शादी थी, मैंने KCC का नाम से पैसे लेके आए, डलवाए ट्रांसफर करते मैडम का अकाउंट में और KCC भरने। मैडम क्या काम करती? मैडम मेडिकल में। कहाँ? राम सिंहपुरा पड्डू। किस पोस्ट पे? भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कठुमर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस नेताओं ने गरीबी हटाओ के नारे से झूठ और लूट का काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने आमजन से आह्वान किया कि सभी बूथों से भाजपा को जीत मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आमसभा में कहा कि भगवान राम को काल्पनिक बताने के साथ ही अयोध्या मंदिर को जुमला बताने वाले कांग्रेसियों ने मंदिर निमंत्रण को ठुकरा दिया। साथ ही तुष्टिकरण और जाति धर्म की राजनीति करने वाली कांग्रेस से राम निकल गया है, अब इस पार्टी के लोग टिकट वापस करते फिर रहे हैं। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने 90 दिन में संकल्प पत्र के करीब 50% काम पूरे किए हैं। वहीं ERCP के तहत अलवर, भरतपुर, धौलपुर और दौसा आदि क्षेत्रों को पानी मिलेगा, जिसमें कठुमर शामिल है।
उधर कठुमर विधायक रमेश खींचे ने इस क्षेत्र को ERCP योजना के प्रथम फेज में शामिल करने के अलावा भगवान परशुराम घाट कैनाल पर काम कराने आदि की मांगे उठाई। मुख्यमंत्री भजन लाल जी माननीय मोदी जी, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं 90 दिन के अंदर जो हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे हमने 40% से लेकर के 45% तक उन वायदों को पूरा किया है। 45 हमने कहा था हमारा किसान क्योंकि किसान के दर्द को हर कोई नहीं समझ सकता, किसान के दर्द को गरीब के दर्द को वो समझेगा जो गरीबी से या किसानियत से निकला होगा। हमने महिला टास्क फोर्स को लगा करके हर थाने में हमने काम किया है, महिलाओं की नफरी भी बढ़ाई है, आने वाले समय में हम और भी बढ़ाने वाले हैं। उधर इस मौके पर विधायक ऋतु बनावत, नोकशम चौधरी, डॉक्टर शैलेश सिंह सहित सांसद रंजिता कोहली, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, हरिओम कटारा, मनोज भारद्वाज, पिंटू सैनी आदि मौजूद रहे। राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने अलवर में भाजपा कार्यालय के सामने गुजरात के एक भाजपा प्रत्याशी का पुतला फूंका। राजकोट में प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने महिलाओं के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। उधर शहर के अम्बेडकर नगर स्थित राजपूत भवन में राजपूत समाज की मीटिंग हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि अगर BJP पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटती तो भाजपा को वोट देने का बहिष्कार किया जाएगा। अध्यक्ष विजेंद्र सिंह चौहान के अनुसार बैठक के बाद राजपूत भवन से एक रैली अम्बेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंची। यहां प्रत्याशी रूपाला का पुतला फूंका गया। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो राजकोट में रूपाला, जो राजकोट से BJP का उम्मीदवार है, उसके द्वारा समाज के बारे में की गई अभद्र टिप्पणी जो कि बेहद ही आपत्तिजनक है, उसको विचार करने के लिए उसमें आगे क्या रणनीति अपनाई जाए, आज हमने सभी ने यह फैसला किया है कि वहां पर उनका पुतला दहन किया जाएगा विरोध स्वरूप, क्योंकि BJP वहां उनका टिकट नहीं काट रही है और कैंडिडेट वहीं पर बने हुए हैं। तो समाज में बड़ा आक्रोश है इस मामले में और इसी संदर्भ में मीटिंग बुलाई गई है। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि उनका पुतला बैन किया जाए और ये विरोध स्वरूप BJP का बहिष्कार किया जाए। उधर 13 अप्रैल को मुंडावर में अमित शाह के रैली का विरोध करने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा नारेबाजी हुई। बैठक में श्री राजपूत सभा, राजपूत शिक्षा समिति, राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना आदि संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे। अध्यक्ष विजेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ मार्गदर्शक पृथ्वी सिंह चौहान, विक्रम सिंह, गजेंद्र सिंह, लोकेश सिंह और राजेश सिंह आदि की मौजूदगी रही। अलवर जिले के मालाखेड़ा में शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेन सिंह सभा करेंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पार्टी विधायक शामिल होंगे। सभा को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रण दिया। नगरपालिका परिसर में शुक्रवार को सुबह 10 बजे यह सभा होगी। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में होने वाली सभा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी भाइयों से अनुरोध और निवेदन है कि कल सुबह 10 बजे नगरपालिका मालाखेड़ा के सामने राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, AICC के महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब, कल मालाखेड़ा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई ललित यादव के समर्थन में एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। तो सभी क्षेत्रीय जनता जनार्दन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल सुबह 10 बजे सभा में आकर ललित भाई को अपना शुभ आशीर्वाद दे और मीटिंग को सफल बनाए। अलवर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुंडावर क्षेत्र में आयोजित युवा सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान युवाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्हें 51 मीटर का साफा बांधा गया। भूपेंद्र यादव ने युवाओं से मिले प्यार और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि देश के 140 करोड़ देशवासियों ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास और संकल्प को परखा है। ऐसे में इस बार देशवासी उन्हें फिर से प्रधानमंत्री चुनने को बेताब हैं। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से आगामी 19 अप्रैल को भाजपा को वोट देने की अपील की। पिछले एक महीने से जो पूरा चुनाव अभियान चल रहा है, सभी लोगों से बात करने पे एक बात ध्यान में आ रही है कि अब ये मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं रहा। लोग मानने लगे हैं कि ये चुनाव जो है, ये देश का एक ऐसा विशेष चुनाव है जिसमें लोग चुनाव में मतदान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुनने के लिए करने जा रहे हैं। 10 सालों में भारत ने जो साख अर्जित करी है, 10 सालों में भारत ने जो दुनिया में अपनी ऊंचाइयां अर्जित करी है, 10 साल के इस दौर में जिस प्रकार से हिंदुस्तान का विकास हुआ है, देश अब वापस से नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखने पाए। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि एक तरफ तो कांग्रेस के लोग टिकट छोड़ के भाग रहे हैं, जो जैसे तैसे कांग्रेस को मिले आखिर खड़े हो गए, लेकिन कांग्रेस तो देश में 272 सीटें हैं जीतने के लिए, उतनी तो कम से कम जीतेंगे तब तो कांग्रेस का कुछ अस्तित्व होगा। कांग्रेस 272 सीटों पे भी उम्मीदवार नहीं खड़ी कर पाई, ये बदहाल कांग्रेस अब देश में पूरी तरीके से गिर जाती है। और अलवर के सांसद के रूप में खड़ा होने पर मैं आज शाहजहांपुर में भी सबके सामने कह रहा हूं कि अलवर में मेरी प्राथमिकता अगर कोई पूछना चाहे तो मुझे पता है इस धरती में बहुत दम है। अभी गिलोट, नीमराणा, भिवाड़ी जैसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास है, सरिस्का जैसा टाइगर रिजर्व अलवर के पास है, बाबा भरद्री की तप स्थलीय अलवर के अंदर है, अलवर के लोगों में बहादुरी, सेना में जाने की क्षमता, शिक्षा की ऊंचाइयों को छूने की क्षमता, प्रशासनिक पदों पर जाने की क्षमता, नेतृत्व का गुण, सब कुछ है। इतनी संपन्नता, इतनी योग्यता होने के बाद भी अगर एक चीज कहा जाए कि बिन पानी जग सोए, अगर पानी नहीं रहेगा तो हम इस संसार को बचा करके नहीं रहेंगे। और इसलिए अलवर का जो बढ़ता हुआ डार्क जोन है उसके लिए कदम उठाना, उसके लिए मोदी जी की गारंटी को लाना, ये मेरा एकमात्र और प्राथमिक कर्तव्य है जिसको मैं करना चाहता हूं। और 5 साल से आज कांग्रेस के लोगों से पूछो कि उन्होंने पानी में घोटाला क्यों किया, जिन्होंने जल जीवन में घोटाला किया उन्होंने एक और दूसरा पाप किया। 5 साल हो गए डीपीआर बनी हुई तैयार थी, 5 साल से डीपीआर तैयार होने के बाद भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को एक पत्र भी नहीं लिखा। भजन लाल जी की सरकार आई, सरकार आने के साथ ही 50 दिनों के अंदर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने 2019 में इस समस्या और विजन को देखते हुए पहले से जल संसाधन मंत्रालय बनाया, हिंदुस्तान में पहली बार जल संसाधन मंत्रालय बना। इतनी बड़ी पानी के विषय को जानते हुए प्रधानमंत्री जी का विजन था नदियों को जोड़ने का। 70 साल पुरानी केन बेतवा जैसी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की योजना को लागू किया गया, यही कारण था प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भजन लाल जी ने सरकार बनते के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ ईआरसीपी का समझौता किया और मनोहर लाल जी के साथ यमुना की नदी का समझौता किया। और हम तो दोनों के बीच में आते हैं, हम उधर से ईआरसीपी के एरिए के भी बीच में आते हैं, इधर से हम यमुना के बीच में भी आते हैं, और हमारी सूखी हुई धरती में ये नहर का पानी ला करके हम इसको हरा भरा करेंगे और अलवर के विकास को ऊंचाइयों पर चढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस से भाजपा में गए पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह अभी तक पुरानी पार्टी को जहन से नहीं निकाल पाए हैं। भाजपा के एक चुनावी जनसभा में पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह का भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देकर भूपेंद्र यादव को जिताने का काम किया जाए। यह भाषण दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। गौरतलब है कि पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उनके साथ जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर भी भाजपा में शामिल हुए हैं। वहीं जिला प्रमुख का भी एक वीडियो पहले वायरल हो चुका है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली उनके साथ दिनेश जी भी बता रहे हैं धारवाड़ा से हाथ के निशान पे
और लगा करके और भाई भूपेंद्र सिंह जी को विजयी बनाए। जय हिंद जय भारत। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूले ने संबंध में कहा कि पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, ऐसे में उनके अंतरात्मा कांग्रेस का साथ दे रही है, ऐसे में सच उनकी जबान पर आ रहा है। जूले ने यह भी कहा कि अलवर की जनता 19 तारीख को भाजपा का वहम निकाल देगी। डॉक्टर साहब को सब कुछ कांग्रेस ने दिया है तो आत्मा तो कुछ बोल ही रही है, जो अंदर से जो बात है वो बाहर निकल रही है। देखिए ये बहुत हवा में चल रहे हैं, ये बहुत जो है जो मैं कहना चाहूंगा, 5 लाख से जीतने वाले लोग हैं तो इनको बहुत बहम है, वो बहम अलवर की जनता इनका निकाल देगी 19 तारीख को जो वोट डालेंगे। अलवर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने ईद उल फितर के मौके पर टपुकड़ा ईदगाह में नमाज अदा की। नमाज के बाद उन्होंने क्षेत्र के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी, साथ ही लोगों ने उन्हें बधाइयां देते हुए समर्थन देने का आश्वासन दिया। इस दौरान बसपा के अनेक कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। अलवर में माहौल जो है वो अभी ईद की वजह से कुछ दबा हुआ था, अब ईद के बाद में लोग आए हैं मैदान में और अब 5-6 रोज में इंशाअल्लाह चुनाव करेगा और चुनाव को समझ में आ जाएगा कि कहाँ रुक जा रहा है, कहाँ हो रहा है। तो 36 बिरादरी की निगाह है आपके मायावती पर और उनके चुनाव चिन्ह पर। ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है खाता खुल सकता है, अलवर में खाता खुल सकता है बीएस पी जी। बाकी लोगों का मन जो है वो अपने चहेत लीडर की तरफ होता है, वो कोई भी हो, लेकिन इस वक्त जो है हमारे सामने चौधरी फजल हुसैन है, बार बार काल के चौधरी हैं, अच्छे खानदान से अच्छे आदमी हैं और इनके बाप दादा ने जो है वो कौम के लिए काम किया 36 बिरादरी के लिए। ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उम्मीद ये इसीलिए लोग इनसे जुड़े हैं कि इनके यहाँ भेदभाव नहीं है और न कोई ऊंच नीच की बात है। ये तो ये है कि भाई सब इंसान है, इंसान की सेवा करना इनका धर्म है, इनके दादा ने किया, इनके बाप ने किया और अब ये दोनों भाई चौधरी जाकिर हुसैन भी चौधरी फजल हुसैन भी सेवा कर रहे हैं। इनकी बहन है जायदा, जायदा बेगम उन्होंने राजस्थान से कैबिनेट मंत्री रही है, अपनी बात रह गई। अभी उन्होंने रोज़े इफ्तार की दावत दी थी तो हजूम था बहुत ज़बरदस्त, मैं जिस पर देख रहा था। आज सभी ईद उल फितर को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और बहुत ही प्यार का जो है सबसे बिरादरी मिलकर इसे मना रही है और ये संदेश है कि हमारा जो आपसी भाईचारा है वो हमेशा रहना चाहिए। और जहाँ तक बात है 19 तारीख को आने वाले 19 तारीख को महापर्व है देश का, कौन नया प्रधानमंत्री होगा जनता उसे चुनेगी, मेरी यह है कि जनता सोच समझ कर और सभी वोट जरूर डालें, कोई अपने वोट से वंचित ना रहे। मुस्लिम समुदाय की ओर से ईद उल फितर का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं गुरुवार को नयाबाद से ईदगाह में मुख्य नमाज अता की गई। इस मौके पर देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। वहीं सभी लोग एक दूसरे के गले लगकर बधाई देते हुए नजर आए। इस दौरान ईदगाह स्थल पर पुलिस व्यवस्था भी रही। वहीं ईद के मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूले भी ईदगाह पहुंचे और लोगों को मुबारकबाद दी। उधर इमाम मोहम्मद अमजद ने बताया कि एक माह रोजे रखने के बाद ईद पर नमाज अदा की गई है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई भाई बनकर रहेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। आज जो है हमने एक माह रोजे रखने के बाद इबादत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम के तौर पर ऊपर वाले ने हमें ईद का दिन दिया है। आज हमने पुरसकून पुरअमन के साथ ईद की दो रकात नमाज वाजिब अदा की, उसके बाद मुल्क में अमन चैन भाईचारा सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई का नारा हमने दिया कि सब मुल्क में भाई भाई हैं, अगर मुल्क में ये सब भाई भाई बनकर रहेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा आगे बढ़ेगा। इस मौके पर पूरे हमारे मुल्क के लोगों को हमारे बिरादरान वतन को सबको दिली मुबारकबाद देते हैं और हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन का दौर है और इस इलेक्शन के दौर में ये जो आने वाला इलेक्शन है 19 तारीख को यहाँ वोटिंग हो रही है, सभी मोहब्बत और प्यार से इस में वोटिंग करें, ज़्यादा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हिंदू मुसलमान सबका भाईचारा बना रहे।
जिले भर में गणगौर का पर्व गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गण के रूप में ईसर और गोरा के रूप में पार्वती की पूजा की गई। वहीं बाजारों में चहल पहल रही और महिलाओं ने गणगौर की प्रतिमाएं खरीदी, साथ ही मिठाई की दुकानों पर गुड़े और घेवर खरीदने वालों की भीड़ रही। इस मौके पर महिलाओं ने पति की लंबी आयु और युवतियों ने मनचाहे वर की कामना की। शाम को गणगौर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। उधर अलवर के स्कीम 4 स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से महिला गणगौर माता के गीत गाते हुए फुलवारी सजाकर घर पहुंची। उन्होंने बताया कि गणगौर पर्व से एक दिन पहले माता का बिंदोरा निकाला गया था। वहीं गुरुवार को गणगौर माता के विशेष पूजन के साथ ही मिठाई और अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित किए गए। धूमधाम से मनाया जाता है इसको। हम 16 दिन पूजते हैं और 16वें दिन हम इसकी झाड़ी सजा के फूलों की और फिर गणगौर माता की पूजा करते हैं। फिर शाम को इसको कुएं में चढ़ा के आते हैं, इसको पानी पिलाते हैं। किस चीज़ से पूजा होती है इसकी? गुणों से होती है। किसी की रोटी से पूजा कर लेते हैं, हलवा पूड़ी से कर लेते हैं, कोई कैसे भी पूजा कर लेते हैं माता की। जैसे गुण से गणगौर के गीत भी गाए जाते हैं, गीत भी गाए जाते हैं, ढोल से बिंदोरा निकाला जाता है। जिन लड़कियों की नई नई शादी होती है वो नवविवाहित जोड़े 16 दिन की गणगौर पूजा करते हैं अपने सुहाग के लिए, और इनसे एक दिन पहले बिंदोरा निकाला जाता है। इसमें अविवाहित जो लड़कियां होती है वो आपस में एक साथ 16 दिन तक पूजा करती हैं और ताकि उनको अच्छा वर मिले, और बांध देती हैं और बस, और गीत गाए जाते हैं गणगौर, गीत गाए जाते हैं गणगौर माता के। किस तरह के गीत गाए जाते हैं? जैसे गोरी गणगौर माता गोल की वाड़ी, आन खड़ी तेरी पूजने वाली, पूजने पूजा बाई काई मांगे, मैं मंगल लक्ष्मी चोर लक्ष्मी जल जामी बाबा मराई सी हो जाई, कौन सुरावण की को मांगे सदा सिंगारी दूरवा, काजलियो बड़े मांगे आरता वाली जी। उधर भाजपा महिला मोर्चा ने गणगौर पर पूजन के साथ ही भाजपा को विजयी बनाने का संकल्प लिया। वहीं सूर्य को जल अर्पित करने के साथ ही गणगौर माता के मंगल गीत गाए गए। जिला संयोजक सुमन चौधरी और पार्षद शीला जांगड़ ने बताया कि इस अवसर पर महिलाओं ने 19 अप्रैल को भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का संकल्प लिया है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में महिलाओं के हित में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। हर वर्ष की भांति गणगौर पूजा की गई है। आपने देखा होगा कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बहनों ने गणगौर की पूजा की है, गीत गाए हैं, डांस किया है। सभी जो सुहागिन जो बहनें हैं वो इस व्रत को अच्छे से वो करती हैं, और ये जो प्रोग्राम किया गया है भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से, सभी बहनें यहाँ एकत्रित हुई हैं और सबने हमने मोदी जी को कमल के फूल पर वोट देने के लिए सभी बहनों से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि आने वाली 19 तारीख को हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को वोट करेंगे, मोदी जी का हाथ मजबूत बनाएंगे, फिर से तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब की बार 400 पार का नारा बहनों ने यहाँ पूर्ण विश्वास के साथ हमें दिया। हमारे गणगौर का त्यौहार आता है तो सभी बहनों ने हर्ष और उल्लास के साथ इसे मनाया है और हम भी इनके बीच उपस्थित हुए हैं। हमने सबसे यही आग्रह किया है इसके उसमें कि आज गणगौर का पर्व है, सबने अपने अपने पतियों की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा है, पूजन की है, पूजा में बहुत आस्था रखते हैं, तो इसीलिए हमने सबसे यही निवेदन किया है कि आने वाली 19 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबाकर आदरणीय मोदी जी के हाथ मजबूत करें और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाएं। उससे पहले हमारे भूपेंद्र जी जो यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से जिताएं। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का आरएएस में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर
उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत राय से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। और वहीं गणगौर का पर्व अलवर सहित राजस्थान भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। यह पर्व देवी पार्वती और भगवान शिव के दिव्य प्रेम को जाहिर करता है। हिंदू कैलेंडर के चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर मनती है। गणगौर या गौर माता एक स्थानीय देवी और भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का एक रूप है। वहीं होली के दूसरे दिन से 16 दिन तक युवतियाँ और सुहागिनों द्वारा गणगौर का पूजन किया जाता है। इस बार यह सिलसिला 18 दिन तक चला। 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 16, 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
आग भड़तो जा। गणगौर भी मनाई जाती है, इसके अंदर ईश्वर गणगौर की पूजा की जाती है। ये साक्षात महादेव और पार्वती जी के ही रूप है। चैत्र शुक्ल के नवरात्र के तहत गुरुवार को तीसरे दिन चंद्र घंटा देवी की पूजा की गई। नवरात्रों में घर घर में घट स्थापना किए जाने के बाद रोजाना देवी मां का पूजन हो रहा है। वहीं खोपरे मिश्री और पंच मेवे का भोग लगाया जाता है। नवरात्रों में नौ देवियों के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इनमें प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा, चौथा कृष्ण मुंडा और पांचवा स्वरूप स्कंद माता का है। साथ ही छठे स्वरूप में कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवे रूप में सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। साथ ही रामनवमी के दिन कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। चैत्र शुक्ल के नवरात्रे के दिन आज तीसरा नवरात्रा है, जिसमें चंद्र घंटा देवी की पूजा की जाती है, खोपरे मिश्री और पंचमेवे का भोग लगाया जाता है।
महान संत, समाज सुधारक और नारी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। महात्मा ज्योतिबा फूले दर्शन संस्थान, सैनी समाज और मेघवाल समाज सहित विभिन्न संगठनों की ओर से अलवर के फूले सर्कल स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं गुरुवार को यहाँ गोष्ठी भी आयोजित हुई। इस दौरान माता सावित्री बाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे के नारे लगाए गए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने भी यहां श्रद्धांजलि दी। उधर इस दौरान दर्शन संस्थान के अध्यक्ष मामला सैनी, सैनी महासभा अध्यक्ष पूरणमल सैनी, मेघवाल समाज के प्रदेश महासचिव निहाल सिंह मेघवाल, डॉक्टर बी आर शास्त्री, सूरजमल कर्दम, इतिहासविद हरिशंकर गोयल, तेजपाल सैनी, राजकुमार बख्शी और भोला राम शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली और सैनी महासभा अध्यक्ष पूरणमल सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने इस समाज को एक नई राह दिखाई। महिला शिक्षा और पिछड़ों को आगे किस प्रकार से लेके आया जाए, उनका उत्थान किस प्रकार से किया जाए, इसमें बहुत बड़ी भूमिका महात्मा फूले जी की थी और माता सावित्रीबाई फूले जी। महात्मा फूले की 197वीं जयंती मना रहे हैं और अलवर जिला सैनी महासभा पूरे अलवर जिले में इसको पूरे बहुत जोश खरोश से इसको बहुत उत्साह के रूप में मना रही है। और हमारे समाज के ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने दबे कुचले वर्ग के लिए कार्य किया और जिनको जीने के लिए भी बड़ी मुसीबत होती थी, उनको जीने का रास्ता दिखाया और शिक्षा की आलत जगाई। ऐसे महापुरुष के लिए आज हमें बड़ी खुशी है उनके और वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। सैनी समाज विद्यार्थी उन्नत शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय सैनी सभा एवं राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड ने यह कैंप अलवर के मोती डूंगरी स्थित सेठ मक्खनलाल महावर चैरिटेबल ब्लड बैंक में आयोजित किया। संस्थान के अध्यक्ष विकास बबेरवाल ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के उपलक्ष्य में 197वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हमने रखा है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम चला है। पिछली वर्ष की बात ही, पिछली वर्ष 7 दिवसीय कार्यक्रम था। इस वर्ष चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब की बार हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह कल हमने छात्रावास में पौधारोपण किया, शाम को महात्मा ज्योति फूले सर्किल पर हमने दीपदान का प्रोग्राम आयोजित किया। और अभी आप जैसे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ विशाल रक्तदान का शिविर हमने सेठ माखनलाल चैरिटी ट्रस्ट में हमने रखा है और वो विधिवत रूप से चालू कर दिया गया है। तकरीबन 200 ऊपर अभी के समय में हमारा ऊपर जा चुका है और हमारा टारगेट है 200 के समथिंग का, 197 से ऊपर हम लेके जाएँ। और इस भावना से सामाजिक संस्थाओं का जितना भी जो सभी का सरोकार है वो बढ़ता रहे और महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो उस ज़माने में काम किए थे शिक्षा को लेकर, अन्य जाति पिछड़ा वर्ग को लेकर जो काम किया था उसी को तहत लेकर हमारी संस्था भी उसी के संदर्भ में काम कर रही है। अलवर में बस स्टैंड रोड स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में कॉमरेड हरिराम चौहान की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में रघुनाथ बवेजा और तेजपाल सैनी सहित कई वक्ताओं ने विचार रखे। साथ ही भोलाराम शर्मा, एडवोकेट जगदीश प्रसाद शर्मा, एडवोकेट शब्बीर खान और पंकज सावरिया आदि मौजूद रहे। सभी लोगों ने कॉमरेड हरिराम चौहान की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। अलवर शहर के 200 फीट रोड से दयानंद नगर निवासी एक 25 वर्षीय युवक ने घरेलू कलह से तंग आकर फांसी लगा ली। जानकारी के अनुसार दयानंद नगर निवासी 25 वर्षीय मोहित चतुर्वेदी की 5 साल की बेटी भी है। घरेलू कलह के चलते उसकी पत्नी 2 वर्ष से अपने पियर में पुत्री के साथ रह रही थी। इसके अलावा उसने दहेज का मामला भी पति के खिलाफ दर्ज कराया था। परिजनों के अनुसार मानसिक रूप से परेशान मोहित ने तंग आकर फंदा लगा लिया। पूर्व में वह एक निजी बैंक में कार्यरत था, वहीं उसके 2 भाई भी अलग अलग बैंकों में काम करते हैं। उधर सामान्य चिकित्सा में वैशाली नगर थाना पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। सर, इसकी वाइफ ने जो है इसको प्रताड़ित कर रखा था पिछले 2-2.5 साल से ज़्यादा और अभी कुछ दिनों से ज़्यादा कर रही थी। अभी इसके घर वाले जो थे वो इससे मांग कर रहे थे कि बच्ची के नाम पे 5 लाख रुपये और एक प्लॉट इसके नाम करो बच्ची के नाम पर, तब सोचेंगे कि बच्ची को हैंड ओवर करने की। बच्ची उनकी पत्नी के साथ उनके पियर में, हाँ उनके पियर, वो अपने पियर में रह रही है। कितने साल से? 2-2.5 साल हो गया उसको। तो कभी किसी तरीके के मैसेज करती है, कभी घर वालों के लिए गलत बोलती है कि तेरी माँ मर जाए, तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरी भाभी मर जाए, बच्चे मर जाएं।
लगातार डिप्रेशन में डाल रखा था। बिल्कुल, दो ढाई साल से रेगुलर, और अभी पिछले 8-10 दिनों से कुछ ज्यादा ही चल रहा था। गया था अभी 5-7 दिन पहले जब घर पे, तो इसको बेइज्जत करके निकाला है घर से, धक्के देके। उन्होंने अपनी बेटी से मिलने के लिए गया था, तो इसके ससुर ने इसको बेइज्जत करके, बाबूलाल ने धक्के देके घर से जबरदस्ती निकाला है। पहले बैंक में जॉब करता था ये, अभी जब से ये कलेशबाजी इसकी घरवाली ने स्टार्ट करी है, तब से डिप्रेशन माने के बाद में इसने काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया था। गवर्नमेंट सर्वेंट थे या नहीं? प्राइवेट। अलवर जिले के हल्दीना में सैनिक स्कूल को 9 करोड़ की जमीन आवंटित हुई थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली के आरोप हैं कि 3 साल से केंद्र सरकार ने यहां कार्य शुरू नहीं कराए हैं। उन्होंने कहा कि अलवर से निर्वाचित हुए भाजपा के सांसदों ने अलवर जिले को 10 साल पीछे ला दिया है। गौरतलब है कि सैनिक स्कूल के लिए हल्दीना में 94 बीघा से अधिक भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन 3 वर्ष से अधिक का समय गुजरने के बाद भी सैनिक स्कूल सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा मौके पर निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया गया है। राजस्थान में चित्तौड़ और झुंझुनू के बाद तीसरा सैनिक स्कूल हल्दीना को मिला था। 21 जनवरी 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर से हल्दीना में सैनिक स्कूल स्वीकृत किया। साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हरी झंडी मिलने पर 27 अप्रैल 2021 को सैनिक स्कूल के नाम 23 हेक्टेयर से अधिक भूमि निःशुल्क आवंटित कर दी गई। सरकार की DLC दर के अनुसार यह भूमि 9 करोड़ से अधिक रुपए की है। जूली ने आरोप लगाया कि ESIC हॉस्पिटल प्रोजेक्ट भी लटकता रहा था, साथ ही एयरपोर्ट और मेट्रो ट्रेन का कार्य अटका दिया गया है। ESI हॉस्पिटल आपके सामने 6 साल तक अटका के रखा, अब आ रहे हैं फीता काटने, आप सब जानते हो। सैनिक स्कूल हल्दीना में मंजूर पड़ी, कोई कह रहा है? भूपेंद्र यादव एक बार भी आवाज उठाई? हमारी मेट्रो ट्रेन आ जाती उसको बंद कर दिया, एक दिन भी भूपेंद्र यादव बोला? कोटकासी में एयरपोर्ट था अपना, वो यहां से नोएडा में चला गया जेवर के अंदर, सबको पता है, एक दिन भी ये लोग बोले? एक दिन संसद में आवाज उठी हो कि अलवर के किसान की, अलवर की जनता की, अलवर के युवा की ये समस्या है, तो आप बता दो, चैलेंज बता दो, 10 साल में एक बार भी सांसद बोला हो? अरे तो भाई इनको क्या करेंगे बताओ, कोई लीपा पोतवा कहेंगे? अलवर से राजगढ़ जाते समय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का बुधवार देर शाम अलवर ग्रामीण क्षेत्र में स्वागत हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक जयराम जाटो के नेतृत्व में अलवर करौली मेगा हाईवे स्थित पूजा होटल पर उनका अभिनंदन किया। गौरतलब है कि नायब सैनी राजगढ़ में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के पक्ष में मीटिंग करने जा रहे थे। वहीं स्वागत कार्यक्रम में मालाखेड़ा भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुकेश कुमार शर्मा, वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष हितेंद्र प्रधान, मनवाई लाल पटेल, मुकेश चंद, बेगराज चौधरी, शिवचंद शर्मा और जगदीश मीणा आदि मौजूद रहे। नारायणपुर उपखंड के ग्राम पंचायत गढ़ी स्थित राजकीय नानची देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मतदान की शपथ ग्रहण की गई। BLO नंदलाल वर्मा ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ग्रामवासियों और मेडिकल स्टाफ को यह शपथ दिलाई। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि 19 अप्रैल को मतदान अवश्य करें। इस अवसर पर पूरण सैनी, रोहतास सैनी, चेतन सैनी, संतरा चौधरी और सरोज देवी आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र में चैत नवरात्र के दौरान शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है, साथ ही लोग सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इसी क्रम में जमुआई माता, करणी माता, पतवारी माता, ज्वाला माता, देशनोक देवी और चामुंडा देवी आदि की पूजा अर्चना जारी है। उधर आचार्य अशोक कुमार मिश्रा, महेश चंद मिश्रा और सौरभ शास्त्री ने बताया कि चैत्र मास शक्ति स्वरूपा माता की पूजा अर्चना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। टेला क्षेत्र के कोटड़ी रामपुरा मिडिल स्कूल में हिंदू नववर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान CSC टेला के डॉक्टर अभिमन्यु सिद्ध ने इससे जुड़े वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक तत्वों से अवगत कराया। डॉक्टर सिद्ध ने बताया कि विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य द्वारा की गई थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट जरूर डालने की अपील भी की। इस अवसर पर अध्यापक हेमंत मिश्रा, प्रहलाद, पुष्पेंद्र, प्रियंका, कविता और मोहित सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे में महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जयंती पर सैनी समाज की ओर से कलश यात्रा निकाली गई। आयोजन से जुड़ी अनिता ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि कस्बे के पटायरी की डूंगरी स्थित ज्योतिराव फूले पार्क से कलश यात्रा निकली, जो सैनी धर्मशाला पहुंच कर सम्पन्न हुई। साथ ही वक्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही। साथ ही महात्मा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर सैनी धर्मशाला में सत्संग भी आयोजित हुआ। रेणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम लपाला सहित आसपास के क्षेत्रों में स्थित मस्जिदों में ईद उल फितर का पर्व खुशी के साथ मनाया गया। ग्रामीण आसू खान ने बताया कि लपाला की मस्जिद में मौलवी
इकबाल खान ने नमाज अता करवाई। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस अवसर पर हाजी लल्ली खां, बसारत खां, सैरून खान, नसर खान, नब्बू खान और आस मोहम्मद मौजूद रहे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत राय से पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा स्थित फल सब्जी मंडी प्रांगण में महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती मनाई गई। यहाँ स्थित ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर सर्व समाज के लोगों ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर सैनी समाज के अध्यक्ष लाला राम सैनी सहित हुकुमचंद सैनी, घीसाराम, गिरधारी लाल, रमेश चंद, मोतीलाल और बनवाई लाल आदि की उपस्थिति रही। लाला राम सैनी ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले सर्वमान्य समाज सुधारक थे, जिन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, साथ ही समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई।
मालाखेड़ा क्षेत्र में गुरुवार को ईसर गणगौर की पूजा अर्चना श्रद्धा के साथ की गई। इस दौरान इनके विग्रह को विभिन्न वेशभूषा पहनाई गई और श्रृंगार किया गया, साथ ही गुणे और शक्कर पारे अर्पित किए गए। वहीं महिलाओं ने अनेक भजन गाए। ईद उल फितर पर अकबरपुर कस्बे में नमाज अता की गई। इस मौके पर अकबरपुर पुलिस का जाप्ता मौजूद रहा। यहाँ स्थित ईदगाह में कई क्षेत्रों से मुस्लिम बंधु नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, ऐसे में जयपुर हाईवे पर वाहनों की भीड़ लगी रही। ईद को लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं और ईद के मौके पर सब रोड पर जाप्ता लगा हुआ है और सभी तरीके से सुचारू रूप से व्यवस्था ठीक तरह से चल रही है। अकबरपुर कस्बे के मुख्य मार्ग में इन दिनों गंदगी का आलम बना हुआ है। सड़क पर नालियों का पानी बढ़ जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी शरण कुमार सेन के अनुसार यह मार्ग कालीखोल गांव की ओर आता है। वहीं पानी की निकासी नहीं होने से दुकानों के आगे भी गंदा पानी भर रहा है। अरे यहाँ दुकान के सामने गंदगी रहती है और पानी का निकास नहीं है। कई जगह पंचायत को बोल दिया और प्रशासन ध्यान नहीं देता सर, ये छोटी सी बात है। और ये मेन ये मेन रोड है, कालीखोल जाने वाला रास्ता है, पंचायत समाज से आने जाने वाला रास्ता। बहुत परेशान रहती है हमको यहाँ, बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। अच्छा, कीचड़ गंदगी रहती है। कीचड़ गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है सब। अच्छा, कब से है इसको? 15 एक भी बहनों का ही हो गया सब। अकबरपुर कस्बे में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। 12 अप्रैल को यहां प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का दौरा रहेगा। बैठक में इसकी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इसके लिए बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बीजेपी के कैंडिडेट माननीय भूपेंद्र जी अकबरपुर में आ रहे हैं चुनावी सभा करने, उस संबंध में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है कल की तैयारियों को लेकर। आगे 19 तारीख को जो चुनाव है उस पर किस तरह मतदाताओं को बूथ तक लाना है और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करवाना, इस संबंध में कार्यकर्ताओं में बैठक में हमारे सब कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठ कर ये इसी पर चर्चा की कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराएं और हम लोगों को जैसे घर से बूथ जो एजेंट हैं बूथ वालों को एक्टिव किया, पूरे कार्यकर्ता एक होके और एकजुट होके भूपेंद्र जी के पक्ष में वोटिंग कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराएं। जो हमारे जो वोटर हैं वो वोटर घरों में या बाहर, तो वो हम लिस्ट बना रहे हैं, उसी के बारे में हम बैठ के चर्चा करिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के चुनाव प्रचार के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सक्रिय हैं और ये अलवर का सौभाग्य है कि भूपेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ नेता यहाँ के प्रत्याशी बने हैं। ये आने वाले टाइम में चुनाव तो जीतेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि आम जनता का मन है, आम मतदाता का मन है और क्षेत्र में विकास कार्य बहुत तेज़ी से होंगे। यहाँ पानी की जो समस्या है, अगर कोई समाधान करा सकता है तो केवल और केवल मात्र भूपेंद्र यादव जी हैं। इनकी वजह से यहाँ पीने के पानी की समस्या और खेती के पानी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। अकबरपुर कस्बे में गणगौर पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। इस बार 18 दिनों तक गणगौर माता की पूजा की गई। वहीं गुरुवार को प्रतिमाओं का विसर्जन कस्बे में स्थित बावड़ी में किया गया। साथ ही भजनों का गायन हुआ। पूजन के जरिए महिलाओं ने घर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आज गणगौर माता का त्यौहार मनाया गया है बड़ी धूमधाम से और अब उनकी पहले पूजा की गई थी, फिर उनको पानी पिलाकर अब विसर्जन के लिए ले जाया गया था और अब उन्हें किसी तालाब बावड़ी जो भी आपके पास है उसमें हमने उसमें विसर्जित कर दिया है। इसकी मान्यता है कि ये मतलब कि जो शादीशुदा लड़कियां होती है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसकी पूजा करती है। 18 दिनों का त्यौहार होता है, पूजा तो 18 दिन की ही होती है शुरू से ही, लेकिन बोला जाता है 16 दिन का ही। और जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं वो भी इनकी पूजा करती है। इसमें गौरा और ईश्वर जी की पूजा की जाती है। गौरा और ईश्वर जो होते हैं वो शिव और पार्वती का ही रूप होते हैं। सिलीसेट झील में गुरुवार को ईद की छुट्टी पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। वहीं सिलीसेट तिराहे से लेकर गरवाजी मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। सैलानियों ने नौका भ्रमण का लुत्फ भी उठाया, साथ ही टिकट विंडो पर कतारें लगी रही। दिल्ली की शान कहे जाने वाली सिलीसेट झील, हम बता दें कि आज सिलीसेट झील पर पर्यटकों की बड़ी तादाद यहां देखने मिली है और सुबह से ही पर्यटकों का यहां तांता लगा हुआ है, जहां पर्यटक बड़ी मात्रा में आज पहुंच रहे हैं। हालांकि गर्मी का मौसम चलते हुए भी यहां पर्यटकों की भीड़ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज ईद पर्व को लेकर चारों ओर खुशी का माहौल है और यहां घूमने के शौकीन लोग आज सिलीसेट झील पर पहुँच रहे हैं, जिसमें सुबह से ही जो कर्मचारी है यहाँ व्यवस्था में जुटे हुए हैं और अब नौका भ्रमण कर यहाँ घूमने का आनंद भी उठा रहे हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर।
रामगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में ईद का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। कस्बे की ईदगाह पर सुबह ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जुबेर खान ने भी यहाँ नमाज अदा की। आज ईद का त्यौहार है, एक महीने के त्याग तपस्या रोजे सबके आज भाईचारे का स्वार्थ का और जो एक परंपरा है देश की चाहे किसी भी धर्म का त्यौहार हो सभी धर्म के लोग उससे सम्मिलित होते हैं। वहीं इस मौके पर डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी रामगढ़ की तरफ से फल वितरण किया गया। कार्यक्रम में मांगेराम, सरपंच कोमल, सोनलाल, कवल किशोर, प्रभुदयाल मेघवाल, रवि वर्मा और रोहता सैनी आदि उपस्थित रहे। थानागाजी क्षेत्र में गणगौर पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर नव विवाहित युवतियां डीजे की धुन पर नाचते हुए नजर आए, साथ ही प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस मौके पर युवतियों ने कथा सुनी और बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लिया। थानागाजी के क्यारा गांव से राशन डीलर पर लोगों ने घटिया क्वालिटी के गेहूं वितरित करने का आरोप लगाया है। सूरतगढ़ गांव निवासी विनोद सोनी गेहूं लेने के लिए इस राशन डीलर की दुकान पर गया था। आरोप है कि डीलर ने उसे घुन लगे हुए गेहूं दे दिए। जब शिकायत की गई तो अभद्र बर्ताव किया गया। ऐसे में पीड़ित ने उपखंड अधिकारी अमीन लाल यादव को शिकायत की है। डीलर को का नाम से कौन सी जगह क्यारा था नहीं दिया जी को और कोई नब दिया जाए गेहूँ पता को मुन तो यह दिया था भी आमने सामने रहा चार पांच थैला और दिया चुंदे भगवान झूलेलाल के तीन दिवसीय चेटीचंड महोत्सव के तहत बुधवार रात्रि खैरतल में अनेक आयोजन हुए। आनंद नगर कॉलोनी सब्जी मंडी मुख्य बाजार से झूलेलाल मंदिर में चेटीचंड महोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। यहां रात्रि 10 बजे सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। भगवान झूलेलाल की आरती के साथ ही केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। वहीं बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। 11 अप्रैल को सुबह 7:15 बजे बाबा शीतलदास लालवानी ने भगवान झूलेलाल से अरदास की और प्रसाद वितरण के साथ चेटीचंड महोत्सव सम्पन्न हो गया। खैरतल क्षेत्र में मुस्लिम बंधुओं ने ईद का पर्व मनाया। खैरतल खेकड़ा ईदगाह और सिवान पाटन ईदगाह सहित अन्य स्थानों पर गुरुवार को विशेष नमाज पढ़ी गई। वहीं मौलवी मोहम्मद शकूर ने खैरतल में नमाज अता करवाई। इस दौरान थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा पुलिस बल के साथ गश्त करते हुए नजर आए। वहीं ईदगाह के बाहर अनेक दुकानें भी सजाई गई। तिजारा क्षेत्र के असलीमपुर गांव में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 133वां जयंती समारोह आयोजित हुआ। संयोजक बुधराम और अनिल ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जयप्रकाश यादव रहे, जबकि अध्यक्ष रामकिशन मेघवाल ने की इस दौरान डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किए गए। वक्ताओं ने उनके योगदान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सरपंच पृथ्वी यादव, अध्यक्ष रूपचंद वर्मा, CBO राजेश यादव, व्यापार महासंघ के उपाध्यक्ष रामचंद्र सैनी, महासचिव अरुण सोनी आदि की उपस्थिति रही, जबकि मंच संचालन महेंद्र वर्मन द्वारा किया गया। द फेयर विजन फाउंडेशन लखनऊ द्वारा शशि मां सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर GR गुप्ता को भारतीय सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है। उनकी सामाजिक सेवाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया। डॉक्टर गुप्ता गौशालाओं सहित शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। उन्हें 17 राज्यों में सम्मानित किया जा चुका है। भिवाड़ी थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर बुधवार शाम नाले में एक नाबालिग का शव मिला है। 12 से 15 साल के मध्य आयु वाली इस नाबालिग का शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद भिवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को भिवाड़ी जिला अस्पताल की मोर्चे ले जाया गया। वहीं उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने नाबालिग की मौत के कारणों की जाँच भी आरम्भ कर दी है। सकट गांव की बड़ी बाड़ी सैनियों की बास में स्थित सेड़ माता का मंदिर पर 2 दिवसीय पद दंगल और भंडारा कार्यक्रम का समापन गुरुवार को हो गया। सैनी सेड़ सभा समिति के पदाधिकारी बाबूलाल और कल्याण साय ने बताया कि पद दंगल कार्यक्रम में भीकराम मीणा, रामोतार सैनी और राम खिलाड़ी सैनी एवं उनके साथी के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। इसके अलावा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, नशा मुक्ति और दहेज प्रथा रोकने के लिए संदेश दिया गया। साथ ही मंच का संचालन सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी द्वारा किया गया। इस मौके पर सैनी समाज रैणी के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश चंद सैनी, नाथलवाड़ा सरपंच मुकेश मंडावरी, पूर्व सरपंच मोतीलाल मीणा, बोधनलाल सैनी और गिर्रा प्रसाद आदि उपस्थित रहे।
राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर केमिकल से भरे ट्रक ने अचानक आग पकड़ ली। वहीं ड्राइवर तत्परता दिखाते हुए ट्रक को पेट्रोल पंप से दूर सर्विस स्टेशन पर ले गया, लेकिन यहां पानी डालते ही आग और बढ़ने लगी। इसके बाद लोगों ने आग पर मिट्टी डाली और ट्रक में रखे केमिकल की कैनों और कट्टों को बाहर निकाल दिया। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया। हाजीपुर निवासी आस मोहम्मद ने बताया कि मुंबई से यह ट्रक आया था। ये साहब बॉम्बे से भर के आई थी, भैया ड्राइवर त्योहार के लिए घर रुके हुए थे, इसलिए अब यहाँ खड़ी हुई इसमें आग लगी। तो ड्राइवर वहाँ से पानी बुझाने के लिए इसको यहाँ लेके भाग के आया। पानी से इसमें ज़्यादा लग रही थी, मिट्टी डाली है, अब उसको खाली करा रहा है, भाई पानी से ज़्यादा पानी नहीं डाला। स्टाफ एवं भामाशाहों के सहयोग से प्रधानाचार्य ने बहादुरपुर स्कूल की तस्वीर बदल दी। अलवर शहर से 15 किलोमीटर दूर बहादुरपुर कस्बा स्थित है, जो अब नगर पालिका में बदल गया है। यहां का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काफी पुराना है, लेकिन पिछले 5 वर्षों से विद्यालय की हालत खराब हो गई थी। यहाँ आए दिन स्टाफ सदस्यों में मन मुटाव की खबरें आती थी, साथ ही CBEO कार्यालय से अधिकारी आकर समझाइश करते थे। इसके अलावा विद्यार्थियों में अनुशासन का अभाव था, परिसर में आवारा मवेशी भी घूमते जाते थे। वही 12 अक्टूबर 2022 को नए प्रधानाचार्य मेहताब सिंह चौधरी ने कमान संभाली और बदलावों की शुरुआत हुई। स्कूल में सुअरों के घुसने पर रोक लगा दी गई। वहीं गणतंत्र दिवस पर स्टाफ एवं भामाशाहों ने विद्यालय को सहयोग किया। ऐसे में सकारात्मक संदेश गया, साथ ही परीक्षा परिणाम 10वीं एवं 12वीं में 100% रहा। विद्यालय को इसी साल PM श्री योजना में नामित किया गया है। यहाँ आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लास रूम और विकसित खेल उपकरणों आदि की उपलब्धता है। वहीं कई अन्य नवाचार किए गए हैं। बहादुरपुर स्कूल में पिछले 1 साल में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं, जिसमें स्टाफ सदस्य एवं भामाशाहों के सहयोग से काम हुआ है। शैक्षिक, सहशैक्षिक एवं भौतिक क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। विद्यालय को SDMC का बेस्ट अवार्ड मिला है। 11 विद्यार्थियों का राज्य स्तर पर खेलों में चयन हुआ है तथा 2 विद्यार्थियों का अंकित एवं फरीद का 10वीं एवं 12वीं में 92 अंक प्राप्त करके उन्होंने सरकारी स्कूलों में कीर्तिमान स्थापित किया है। अभी बहुत काम होना बाकी है। विद्यालय में 5 क्लास में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित होंगे, मॉडल लाइब्रेरी बनेगी, ग्रीष्म अवकाश में खेलों का वातावरण बनेगा और रोल मॉडल स्कूल स्थापित होगा जिले का, ऐसा मुझे विश्वास है। बांसूर विधायक देवी सिंह शेखावत विराटनगर में बालनाथ आश्रम की भव्य कलश यात्रा में शामिल हुए। संत बस्तीनाथ के पावन सानिध्य में यह आयोजन किया गया। इस दौरान जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह, अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव, विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ एवं कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल भी साथ रहे। अलावड़ा स्थित रामलीला चौक के श्री शिव मंदिर में चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने चौथे दिन भगवान शिव के समस्त व्रतों की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि जो भक्त निर्मल मन से भगवान शिव के व्रतों को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। वहीं इस दौरान श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष किशन लाल प्रजापति, सचिव संजय कालरा, गीता कालरा, छोटेलाल सोनी, सरोज सोनी रामेश्वर और बलदेव जांगड़ आदि उपस्थित रहे। गणगौर का पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। उधर अलवर के स्कीम 10 में महिलाओं द्वारा गणगौर का पूजन कर कथा सुनी। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दिया गया। वहीं ईसर और गोरा की विशेष पूजा हुई। उधर मिट्टी से निर्मित गणगौर को आकर्षक रूप से सजाया गया था। गौरतलब है कि घर घर में गोरा और ईसर की पूजा होती है। इसके अलावा कई अन्य आयोजन भी किए जाते हैं, बाद में गणगौर को विसर्जित किया जाता है। गणगौर की पूजा 16 दिन तक की जाती है, जो कि धुलंडी के दिन से प्रारंभ होती है। इस दिन महिलाएं गणगौर के दिन दुबह सबसे पहले दूध लेकर आती हैं, खेतों से जाकर, माली के पास जाकर उन सबको अपने लोटे में भर कर लाती है, जिसे झाली कहा जाता है, और उसे घर पे लाकर पट्टी पे विराजमान होती है, जहाँ पे गणगौर और ईसर को रखा जाता है। वहाँ ऊपर गोली गोली से, हल्दी से, मेहंदी से, काजल से, जाती है, और जो पीड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं विशेष रूप से, और उनसे उनकी पूजा की जाती है। और बाद में पूजन के बाद सभी महिलाएं मिलकर उसे ईसर और गणगौर के गीत भी गाती हैं और उनकी आरती गाती हैं, और बाद में अपने बड़ों के लिए बैना निकाला जाता है।
आज गणगौर का त्यौहार है। गणगौर का त्यौहार पूरे अलवर में क्या पूरे राजस्थान में भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गणगौर जिसमें ईसर और गौरा की पूजा की जाती है, ईसर मतलब भगवान शिव और गौरा मतलब पार्वती मैया की पूजा की जाती है। इसमें जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो तो अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा करती हैं और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो अपने मनचाहा वर पाने के लिए ये पूजा करती हैं। और वहीं हर वर्ष की तरह गणगौर माता की सवारी महल चौक जनाना महल से गुरुवार शाम निकाली गई। अलवर के पूर्व राज परिवार से जुड़े नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि गणगौर माता की सवारी महाराजा विनय सिंह के समय से ही निकाली जा रही है। राठौड़ कई दशकों से सवारी निकलवाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यह सवारी मनसा माता का मंदिर होते सागर पर पहुंची। यहां गणगौर माता को पानी पिलाने के बाद मूसी महारानी की छत्री होते सवारी वापस जनाना महल पहुंची। इस दौरान पुलिस द्वारा सलामी भी दी गई। माता की सवारी जब सिटी पैलेस कंप्लीट हो गया था तो महाराज विनय सिंह जी जब राजा बने तो वो यहाँ सिटी पैलेस में नीचे आ गए थे, भक्तावर सिंह जी किले पे ऊपर रहते थे, लेकिन उनके टाइम पे ये सिटी पैलेस और ये महल बनने लग गए थे। सागर वागर का काम उन्होंने ही करवाया था। उनके डेथ के बाद विनय सिंह जी आ गए नीचे महल में, तब से गणगौर माता की सवारी राजकीय तरीके से घोड़े बैंड बाजों से, पहले तो 3 दिन की निकलती थी, एक दिन कंपनी बाग में जाके निकलती थी, एक दिन और कहीं से, इस तरह 3 दिन का कार्यक्रम होता था, लेकिन अब इसका स्वरूप छोटा होते होते 1 दिन का रह गया और अभी ये परंपरा के अनुसार अलवर राज परिवार की ओर से निकाली जा रही है गणगौर की तीज की सवारी। इस दिन कुंवारी लड़कियां पूजा करती है माँ पार्वती की और अच्छे वर की कामना करती हैं और शादीशुदा दूल्हे जो जोड़े हैं वो अपने सुख जीवन की कामना करते हैं। ईश्वर के रूप में भगवान शंकर को माना जाता है पर पार्वती का रूप माना जाता है माता का। तो ये एक परंपरा है जिसमें अभी घोड़े से बैंडबाजों से निकाली जाती है सागर के ऊपर जा कर के फिर ये पानी पी कर ये गणगौर वापिस सागर को नहीं स्थापित यहीं हो जाती है। ये एक परंपरा चली आ रही है जिसको निभाने के लिए राजकीय परिवार ने मेरे को दे रखी है। अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में बुधवार शाम को नयाबास में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा, नरेंद्र शर्मा, अजय अग्रवाल, श्वेता सैनी, कमलेश सैनी और हिमांशु शर्मा आदि मौजूद रहे। साथ ही जोगिंदर कोचर, प्रदीप आर्य, प्रशांत शर्मा, मीणा समाज अध्यक्ष रामजी लाल आदि की उपस्थिति रही। सभी ने ललित यादव के समर्थन में वोट करने की अपील की, साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान अतिथियों का माला पहना कर स्वागत किया गया। मेरी माता बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आज मुझे एक तरह से शर्म भी आती है, दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है कि अलवर की लगभग 40 लाख लोगों में से, अलवर में लगभग 35-40 लाख लोग रहे, उसमें से एक कोई पुरुष नहीं मिला या महिला नहीं मिली चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को और बाहर से किसी को लेके आ गए। अलवर में कोई भी व्यक्ति नहीं है क्या जो चुनाव लड़ सकता है? और जो बाहर का व्यक्ति होता है उसको कुछ मालूम नहीं, नया बास नहीं मालूम कहा है, नंगली चौराहे नहीं मालूम, एसेंबली तैराया नहीं मालूम, बिजली घर तैराया नहीं मालूम, उसके आगे चेल चौराया नहीं मालूम, तो वो क्या करने वाला है? जो सही बात में इस पूरे मोहल्ले में मुझे ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी गली होगी जब मैं यहाँ विधायक के रूप में पैदल पैदल नहीं जा चुका हूँ। इन मोहल्लों के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसको देखते हुए चंबल की पानी की योजना हमने उसकी शुरुआत करी। अशोक गहलोत जी की सरकार में बजट घोषणा हुई, 1,000 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन हुए। सरकार के बाद इनने पानी की योजना जो चालू कर दी थी उसको रोकने का काम करा। कम से कम राजनीति पानी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। विचार की और बात हो सकती है और कोई बात आप कर लो, लेकिन पानी के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा है कि मोदी की गारंटी पर सबको भरोसा है। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में प्रचार करने के लिए वे गुरुवार को अलवर पहुंची। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव ने केंद्र मंत्री रहते हुए राजस्थान को बहुत कुछ दिया है, साथ ही अलवर से भूपेंद्र यादव के चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं का फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी चुनाव प्रचार कर रही है और मैं उम्मीदवार नहीं मानती, मैं तो इनको सांसद मानती। बहुत भाग्यशाली है आप कि आपको एक सांसद के रूप में जो मिलने वाले हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी,
वो आज यहाँ पधारे भी हैं और आपको जो उन्होंने बात आप लोगों के सामने रखी, मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर कोई नेता है जो अपनी बात पर खरा उतरता है तो वो है हमारे भूपेंद्र यादव। तो मैं आप सबको उनको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ आप लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच आने का उन्होंने अवसर प्रदान किया। अब हम सब लोगों को 19 तारीख में ज्यादा समय नहीं है, हम सबको भूपेंद्र यादव बनकर, नरेंद्र मोदी बनकर घर घर जाना है और वोटों को हमको निकालने का काम करना है, प्रचार करना है, प्रसार करना है। मोदी जी के सारे काम, अलवर में भी बहुत सारे काम है, पूरे भारत में बहुत काम है, राजस्थान में बहुत काम, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, पूरी तरह से सबके काम होते, सबका विकास होता, बस एक आपको काम करना है। आज आपकी बेटी, आपकी बहन एक आपके परिवार में, अपने परिवार में आई और आपने मेरा इतना स्वागत किया, मेरा इतना सम्मान किया, तो मेरी इतनी बात तो आपको माननी पड़ेगी। मानोगे आप लोग, सबको मानो, मानोगे या नहीं मानोगे? जयपुर से आई हूँ, अपने ही परिवार के बीच आई हूँ, तो आप सबको यहाँ से पूरी तरह से संकल्प लेके जाना है कि आप सब अपने आप को वोट दोगे ही दोगे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक एक व्यक्ति को आप संपर्क करोगे, एक एक वोट को निकालकर पोलिंग बूथ तक जाने का काम भी आप ही लोगों को करना। और विशेष निवेदन मैं मातृशक्ति से करती हूँ, 33% आरक्षण दिया है इस बार राजस्थान में, 5 सीटें महिलाओं को दी है लोकसभा की, कितना बड़ा काम किया। और अगली बार से 33% हमारा भी अधिकार होगा, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। तो मोदी जी हमारी इतनी चिंता करते हैं, क्या हम मिलकर एक एक घर में जाकर, हमारे घर में भी, हमारे जितने आज पड़ोस में हैं सबको बोलकर, हम सब मिलकर कमल के फूल के बटन को दबाएं और एक अच्छे व्यक्ति को मौका दें आपकी सेवा करने का, अच्छी पार्टी को हम फिर से एक बार फिर से मोदी जी को अवसर दें कि हमारा वो नेतृत्व करे और हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़े। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ, आपने मेरी बात सुनी, लेकिन आज अपनी बहन का, अपनी बेटी का मान भी आपको ही रखना होगा, ओढ़नी पहनाई है आप लोगों ने, तो मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। और आगे आने वाली 19 तारीख को हम सबको याद रखना है और फुल वोटिंग करनी है और पहले से भी ज्यादा वोटों से भूपेंद्र यादव जी को लोकसभा पहुँचाने का काम करना है। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद। पिछले 40 साल से पारिवारिक रिश्ते से, सामाजिक रिश्ते से और विद्यार्थी जीवन से ही अलवर से लगातार संपर्क में रहा। अलवर का साथ, राजस्थान से सांसद रहते हुए भी मैंने अपने संसदीय कोष से 193 कार्य अलवर के लिए करे हैं और विशेष रूप से मैंने 57 विलेजेस में अपने संसदीय कोष से ई लाइब्रेरी की स्थापना भी करी। जब मैं पर्यावरण मंत्री बना तो सरिस्का के ऊपर जब एलिवेटेड रोड की बात हुई तो उसमें भी मैंने अपना कार्य करते हुए उसको फैसिलिटेट किया। ESIC का मेडिकल कॉलेज कुछ प्रारंभ करना हो या नीमराणा में 150 बेड के ESIC अस्पताल को स्वीकृति देनी हो, मैंने कभी भी अलवर के विकास में कोई कमी नहीं करी और मैंने ये विकास सभी सामाजिक गांव के लिए किया है। मैं अलवर के सांसद बनकर मैं केवल एक ही काम को प्रायोरिटी दूंगा कि अलवर के पानी के विषय में आपका सिपाही बनकर के मैं लड़ूंगा, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी के, हर घर नल और नल से जल, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस गारंटी को अलवर में पहुंचाना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है और मैं इसी के लिए आपका आशीर्वाद चाहूंगा। उन्हें मैं सम्मान्य दिया जी का आभार व्यक्त करता हूं, वो पहले भी हमारे यहाँ मीडिया कार्यालय को समर्थन देने आई, आज वापिस से वो आई है, मैं उनको पुनः पूरे अलवर वासियों की ओर से उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से विश्वास देता हूँ कि आने वाले समय में समाज को जब भी अपने इस बेटे की आवाज आवश्यकता होगी,
समाज जब भी अपने इस बेटे को आवाज देगा, आपका ये बेटा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। ये आदरणीय दिया कुमारी जी, राजपूत समाज वो समाज है जब भी भारत के ऊपर, हमारी गाय के ऊपर, हमारी गाय माता के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर, हमारे हिंदुत्व के ऊपर, या गांव में रहने वाले उस जरूरतमंद परिवार के ऊपर कभी आतंकियों ने हमला किया हो, या पीड़ित किया हो, या परेशान किया हो, ये वो समाज है जो आगे बढ़कर उसकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है। कि 19 अप्रैल को जो मतदान की तिथि है, ईवीएम पर 2 नंबर का बटन है कमल के फूल का, उस फूल के बटन को दबा करके हम रिकॉर्ड मतों से आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को देश के सबसे बड़ी पंचायत में जिताकर भेजने का काम करेंगे। अलवर जिले के लोकसभा चुनाव में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें रामगढ़ क्षेत्र विधानसभा के लोगों ने बताया कि इस बार आगामी 19 अप्रैल को अलवर लोकसभा क्षेत्र में प्रथम चरण में मतदान होना है, लेकिन इस बार देश की जनता के साथ साथ अलवर की जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। और जिस तरह से विश्व स्तर पर भारत का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोशन किया है, उस देश की जनता में अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और देश की जनता भाजपा की ओर झुकाव किए हुए है, इसलिए रामगढ़ क्षेत्र में भाजपा का रुझान ज़्यादा है। सुनते हैं स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं। वर्तमान में जो विश्व पटल पर हमारे भारत देश की जो पहचान बनी है, वो हमारे माननीय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की देन है। आज हम महसूस करने लगे हैं और हमें गर्व है, और विदेशी भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि भारत को जो नई पहचान मिली है, भारत को जो नई दिशा मिली है, उसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी महती भूमिका है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के पास न तो कोई मुद्दा है, न कोई नेता है। अब छोटे मोटे कोई बच रहे हैं तो वो बेचारे अपने पार्टी में अपना वर्चस्व बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जो हकीकत में जो नेता थे, जिन्होंने त्याग किया पार्टी के लिए, दरी पट्टी बिछाई, झाड़ू लगाई, पार्टी के लिए मेहनत की, भूखे प्यासे रहकर प्रचार किया, झंडे उठाए, उन लोगों की तो बेकदरी हो गई। उन लोगों को तो पार्टी ने दरकिनार कर दिया। और चापलूस किस्म के जो लोग हैं, जिनकी आदत रही है कानाफूसी करने की, नेताओं की गुलामी करने की, वो नेता बचे हैं, छुटवाइए नेता, वो अपना आप को अब कांग्रेस के कर्णधार मान रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रामगढ़ विधानसभा या अलवर लोकसभा कहें, इसमें जो मुख्य भूमिका रही है, जो नई तरीके से 22 तारीख को जो अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो भारत में नहीं पूरे विश्व में इसको मान्यता मिली है। और विदेशों ने भी यहाँ आकर स्वीकार किया है कि भगवान श्री राम आज विराजमान जो अयोध्या में हुए हैं, उसमें काफ़ी पूरी भूमिका माननीय कोर्ट की तो है ही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की भी। युवा पीढ़ी 19 तारीख को हमारे अलवर से भूपेंद्र जी यादव को वोट करेंगे और मोदी को वोट करेंगे। मुद्दे तो सबके सामने क्लियर हैं। जो मुद्दे पहले सरकार कहती थी कि बीजेपी तो इन चुनावों को हिंदू मुसलमान का चुनाव लड़ती है, राम मंदिर के ऊपर चुनाव लड़ती है, 370 चुनाव लड़ते, सारे मुद्दे मोदी जी ने खत्म कर दिए। इतने मुद्दे बचे नहीं है, कांग्रेस के पास है क्या? बचे नहीं। कांग्रेस के पास तो टिकट लेने के लिए आप बंदे नहीं, पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और बचेगा क्या? इतना बुरी हालत हो गई है कि कांग्रेस को टिकट लेकर राजी नहीं है, सब बीजेपी की साइड भाग रहे हैं। अब की बार 400 पार पक्का। हम तो मोदी को वोट देंगे, भूपेंद्र यादव को वोट देंगे। मुद्दे ये है कि मोदी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया, मोदी ने घर घर उज्ज्वल गैस योजना, बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन की योजना और काफ़ी सारी योजनाओं को लागू किया है, तो इसलिए मोदी के बेस पे चुनाव हो रहे हैं, मोदी के ऊपर वोट देंगे। युवा पीढ़ी का बीजेपी की तरफ रुझान है। मुद्दे मोदी ने विकास कराया है, पूरे देश में विकास कराया है मोदी ने, कांग्रेस के राज में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ, लूटपाट वाली सरकार थी कांग्रेस सरकार। तो इसी प्रकार तिजारा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बार 400 पार के नारे पर जनता साथ खड़ी है। डबल इंजन की सरकार होने के कारण स्थानीय लोगों को भाजपा से ही लाभ होने वाला है।
क्योंकि दोनों सरकार भाजपा की है और सांसद भी भाजपा का बनता है तो निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री बनेगा और उसकी हैसियत रहेगी कि वह केंद्र राज्य सरकार से अलवर के विकास कार्यों को करवा सके। जब हमारे यहाँ तो लोकसभा चुनाव में टक्कर तो है इस बार, पर लेकिन जीतेंगे भूपेंद्र जी। हम बात करते हैं जिस तरह कांग्रेस ने ललित यादव प्रत्याशी बनाया है, बसपा ने चौधरी फजल सिंह बनाया है, तो किस तरह की टक्कर है इनमें? देखिए, फजल जी जो नुकसान कर रहे हैं स्पष्ट तौर पर, वो ललित यादव को ही कर रहे हैं। फजल के खड़े होने से निश्चित तौर पर बीजेपी फायदे में रहेगी। तो क्या मानते हैं आप सब? विनिंग कैंडिडेट 2 लाख से ऊपर। प्रत्याशी तो पार्टी है, किसी को भी बढ़ा सकती है, लेकिन जो प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, तो उसको देखते हुए यहाँ से भाजपा निकलेगी। भाजपा का कोई हराने वाला है नहीं यहाँ पे। तो क्षेत्र में क्या माहौल देखते हैं आप? क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, भूपेंद्र जी यादव के साथ सब लोग साथ हैं और अमन शांति है अपने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। भूपेंद्र यादव जी बीजेपी से खड़े हमारे यहाँ से और हम उन्हीं को ही वोट देंगे। अभी कांग्रेस ने ललित यादव को टिकट दिया है, बसपा ने चौधरी फजल सिंह, क्या कहेंगे उस पर? दोनों ही कैंडिडेट अच्छे हैं, बट हमारा रुझान तो मोदी जी की साइड है, इसलिए हम भूपेंद्र यादव जी को ही। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बार 400 पार के नारे पर जनता साथ खड़ी है। वहीं डबल इंजन की सरकार होने के कारण स्थानीय लोगों को भी भाजपा से लाभ होने वाला है। इस बार मोदी 400 पार है, अब अलवर जिले से हमारे भूपेंद्र यादव को भारी वोटों से विजयी बनाएंगे। किस तरह का जोश है? काफी जोश है बीजेपी के लिए, मोदी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनवाया है, जम्मू से धारा 370 हटाई है, काफी अच्छे काम किए हैं और भी अच्छे काम युवाओं के लिए नहीं, आपके पास 400 पार ही करेंगे। ये अलवर ग्रामीण है और यहाँ से आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से भूपेंद्र जी यादव जो भाजपा के गद्दावर नेता है और यहाँ से बहुत बड़ी एक लीड के साथ यहाँ से जीत के जाएंगे और हम आशा करेंगे भगवान से कि एक मोदी जी का और एक थोड़ा हाथ मजबूत करें और एक अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीत के जाएंगे। 400 पार एनडीए का नारा? हाँ बिल्कुल, 400 पार बिल्कुल होगी। मोदी जी की जो बात है ये सत्य है, वो जो 400 पार क्या, हम तो ये चाहेंगे कि 410 तक पहुँच जाएगी। इस बार बीजेपी है, मोदी भाई का है, भजन लाल शर्मा ने भी बहुत अच्छा काम किया है, कर रहे हैं, हर किसी का मतलब जो चोरी है घुसखोर है सबको ही ध्यान दे रहे हैं। और इधर है जो महिला के लिए घर घर गैस सिलेंडर है, घर घर पानी है, बहुत गरीबों को घर दिया है और अपनी अर्थव्यवस्था भी नंबर 3 पर आ गई है देश की, तो हर क्षेत्र में विकास ही विकास हो रहा है। राम मंदिर भी बना है, अब मथुरा का भी नंबर आ रहा है, कृष्ण भगवान का भी, तो हर जगह सब काम हो रहे हैं, तो फिर इसमें मोदी के आने में क्या बुराई है? इस बार 400 पार है, बहुत अच्छा माहौल है अलवर लोकसभा क्षेत्र में, भूपेंद्र जी यादव भारी मतों से जीतेंगे, करीब 4 लाख से ऊपर जीतेंगे वोटों से। कांग्रेस का कोई माहौल ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी का माहौल नहीं है, कुछ क्षेत्रीय दल है जो 10-20 सीट ले जाएंगे और कुछ माहौल है ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। मोदी लहर है, राम लहर है, सनातन विकास सभी कुछ बीजेपी करवा रही है और मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है, इनकी विश्व लेवल की छवि है, इनको मतलब हराने वाला, ये जब तक जीवित है इनका शरीर चल रहा है, कोई इनको हराने वाला नहीं है। 2024 तो ये जीत गए हैं, 29 की तैयारी करे विपक्ष। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते आज की हेडलाइंस पर। बैंक से निकाली 5 लाख की रकम जूतों की खरीद के चक्कर में हुई पार, बहरोड में पताशा मार्केट के सामने हुई वारदात, सीएम भजन लाल ने कांग्रेस पर बोला हमला और कठुमर में की सभा, कहा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नारे से किया लूट और झूठ का काम, अलवर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी गतिविधियों ने पकड़ा जोर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा शुक्ला को मालाखेड़ा में करेंगे सभा, वहीं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव मुंडावर में युवा सम्मेलन में हुए शरीक,
और ईद पर नमाज अता कर अमन चैन की मांगी दुआ। वहीं जिले में परंपरागत ढंग से मनी गणगौर। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। डीजे पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवाड़ी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।